नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सामान्य, अर्थात जो सामान्य विज्ञानी अध्याय पढ़ा था हम लोगों ने, उसका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है, उसका आयुर्वेद में उपयोगिता क्या है, उसका महत्व क्या है, इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। तो आइए बात करते हैं सबसे पहले कि जो आयुर्वेद का चिकित्सा सिद्धांत है, तो आयुर्वेद में जो चिकित्सा सिद्धांत है उसके हिसाब से तीन कंडीशंस होती हैं। तीन कंडीशंस क्या होती है जिसके बेसिस पे चिकित्सा की जाती है, वो कंडीशंस क्या क्या हैं? तो देखेंगे, पहला कंडीशन ये है जो छीड़ हुई धातुओं को बढ़ाना। पहला है कि जो धातुएं छीड़ हुई रहती तो उसको क्या करना चाहिए, बढ़ाना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। दूसरा है कि बढ़ी हुई धातुओं को कम करना चाहिए। तो पहला क्या था कि जब धातुएं छीड़ हो, कम हो, तो उनको बढ़ाकर साम्यावस्था में लाना चाहिए। और दूसरी कंडीशन होती है जब धातुएं बढ़ी हो तो उसको भी घटाकर उसको नॉर्मल स्टेट में लाना चाहिए। और तीसरा स्टेट होता है कि साम्यावस्था अर्थात इक्विलिब्रियम में है, तो धातुओं की जो मात्रा अगर जितना होना चाहिए उतना है तो उसको मेंटेन कैसे किया जाए, सम धातुओं को साम्यावस्था में बनाए रखना चाहिए। ये है आयुर्वेदिक चिकित्सा के ये बेसिक सिद्धांत है। तो इसी तीन सिद्धांत के बेसिस पे हम लोग चिकित्सा की बात करते हैं। अब बात करते हैं, ये जो चिकित्सा की बात की गई है ये किसके बेसिस पे की गई है? यह चिकित्सा जो है द्रव्य को देखकर, द्रव्य के गुणों को देखकर या द्रव्य के कर्मों को देखकर की जाती है। अब बात करते हैं कि सामान्य के हम लोगों ने तीन भेद देखे थे। तो सामान्य के तीन भेद कौन कौन से बात किया था? द्रव्य सामान, गुण सामान, कर्म सामान। तो यही तो कह रहा है, द्रव्य को देखकर इसका मतलब द्रव्य सामान हो जाएगा, गुण को देखकर था गुण सामान हो जाएगा, और कर्म को देखकर था कर्म सामान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं, एक एक तीन बेसिस है, अर्थात पहला है द्रव्य सामान्य को आधार मानकर चिकित्सा। द्रव्य सामान्य को आधार मानकर चिकित्सा तो करते हैं, तो उसमें क्या क्या टर्म कर उसका एग्जाम्पल देखेंगे। तो एग्जाम्पल आप जो रेफरेंस है चरक शारीरिक स्थान का छठे चैप्टर का, शारीरिक स्थान का छठे चैप्टर का श्लोक नंबर 10वां है, आप इसको बुक में अवश्य देखिए। हले वो अलग बात है कि ये सेकेंड ईयर के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बट फर्स्ट ईयर पढ़ रहे जब सेकेंड ईयर जाएंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये तो मैंने पढ़ा था। तो चरक का ही पार्ट है, इसको एक बार जरूर वहां पर श्लोक को देख लीजिएगा। कि पहला पॉइंट है रक्त सेवन से रक्त की वृद्धि। तो हम लोग देखते हैं रक्त सेवन से रक्त वृद्धि, जैसे अगर बात करें रक्त की किसी में कमी हो, तो रक्त की कमी हो तो रक्त के सेवन का रक्तपान बताया गया है, रक्त की कमी होगा तो रक्त सेवन करेगा तो रक्त की वृद्धि होगी। दूसरा पॉइंट दिया है मेद के सेवन से मेद की वृद्धि, अगर किसी व्यक्ति में मेद की कमी है तो उसको मेदा का ही सेवन कराया जाएगा और मेद के सेवन से मेद की वृद्धि होगी, ये द्रव्य सामान्य है। और तीसरा है तरुण अस्थि के सेवन से अस्थि की वृद्धि। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है कि ये एग्जाम में आपसे पूछा जाता है, आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में पूछा जाता है कि तरुण अस्थियों के सेवन से किसकी वृद्धि होगी या अस्थि की वृद्धि किसके सेवन से होगी। तो तरुण अस्थि के सेवन से अस्थि की वृद्धि होगी, ऐसा नहीं है कि अस्थि के सेवन से अस्थि की वृद्धि हो, नहीं। तो तरुण अस्थि का मतलब क्या है? कार्टिलेजेस, जो हम लोग जैसे जो नॉनवेज खाते हैं वो इसके बारे में बता सकते हैं कि कुछ हड्डियां ऐसी होती हैं, अर्थात जो कार्टिलेजेस होते हैं एनिमल्स के, जो मीट या नॉनवेज जो खाते हैं तो उनमें उसको कार्टिलेजेस को खाया जाता है। तो तरुण अस्थि के सेवन से अस्थि की वृद्धि, ये द्रव्य सामान्य है। नेक्स्ट है आम गर्भ अर्थात अंडे जिसको कहते हैं, एग के सेवन से गर्भ की पुष्टि होती है। तो ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लीजिएगा, पूछा जाता है। अगला प्रश्न देख रहे होंगे हम लोग, दूसरा है, दूसरा जो आधार है गुण सामान्य के आधार पर चिकित्सा। तो दूसरा है गुण सामान्य के आधार पर चिकित्सा। तो यहाँ पर देखेंगे मूत्र क्षय में इच्छुरस, अगर किसी व्यक्ति में मूत्र क्षय हुआ अर्थात उसको बहुत ज्यादा टॉयलेट यूरिन पास हुआ हो तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, इच्छुरस, इच्छुरस मतलब गन्ने का जूस पिलाते हैं। आप देखते होंगे गर्मी के दिनों में हम लोग बहुत प्यासे होते हैं, बहुत प्यास लगती है, तो अगर गन्ने का जूस पी लेते हैं तो हम लोग तरोताजा हो जाता है, ऐसा लगता है कि मतलब कि जो प्यास है बुझ गई। तो इच्छुरस जो होता है कि वो पानी की कमी को बहुत ज्यादा पूरा करता है। वारुणी मंड को, द्रव को, मधुर रस को, अम्ल रस को, लवण रस का प्रयोग किया जाता है। तो मूत्र क्षय में ये सब चीजों का प्रयोग कर दिया जाता है, तो ये गुण सामान्य है। उसको देखेंगे पुरुष क्षय में, पुरुष जो होता है एक तरह से उसमें पृथ्वी महाभूत की बहुलता होती है। पुरुष अगर क्षय हो गया हो तो हमें ऐसे द्रव्य का सेवन कराना है जिसमें पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है, जैसे कुलमास, ये गुरु द्रव्य है, मास गुरु द्रव्य है, कुशकुंड बकरे के मध्य शरीर का मांस, बकरे के मध्य शरीर का जो मांस होता है इसमें पृथ्वी महाभूत की प्रधानता होती है, गुरु द्रव्य होते हैं। उसी के साथ साथ यौ, शाक,
आदि का प्रयोग करने से जो है पुरुष का जो क्षय हुआ रहता है वो पुरुष प्रॉपर मार्ग में बनने लगता है। नेक्स्ट देखेंगे, लास्ट देखेंगे कर्म सामान्य के आधार पर चिकित्सा कैसे करते हैं। तो व्यायाम, कर्म मतलब कुछ ऐसे कर्म होते हैं जिसके साथ चिकित्सा की जाती है। मान लीजिए किसी में वात की क्षय है, तो वात की क्षय है तो वात को वृद्ध करना है, बढ़ाना है, नॉर्मल लाना है, तो व्यायाम से वात की वृद्धि होती हम लोग देखते हैं। आस्या सुख अर्थात बैठे रहने से कफ की वृद्धि होती है। तो इस तरह से हम लोग सामान्य का जो अप्लाइड एस्पेक्ट है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ सामान्य की बात किए। धन्यवाद।